हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं श्वेता। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूं आप सब अच्छे होंगे। और आज मैंने हेयर वॉश करा है, नहाया है, संडे का दिन है। दिन स्टार्ट करते हैं, अपना व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है। एंड सब लोग घर पर ही हैं, बाहर वाले रूम में हैं। मैं अभी क्या खा रही हूँ ना, इमली खा रही हूँ। मेरा मन हो रहा था तो ऐसी रखी थी, वर्मा जी लेके आए थे तो मैंने उठा करके, वो इमली वाली टॉफ़ी होती है ना, वही मैं खा रही हूँ। और कल से वेदर बहुत अच्छा हो गया है, सैटरडे से कल से काफ़ी अच्छा वेदर है। बारिश वाला, बारिश हो रही है, कंटिन्यू बारिश हो रही है। ठंडा ठंडा मौसम हो गया है तो अच्छा लग रहा है, वरना बहुत गर्मी थी मुंबई में। तो अभी कल से वेदर अच्छा है तो अच्छा सा हो जाता है वेदर यहाँ बारिश के टाइम पे। मतलब कपड़े भी पहन रहे हो तो अच्छा लग रहा है, वरना तो कपड़े पहनने बिल्कुल, इतनी गर्मी थी ना कि कुछ अच्छा नहीं लगता था। और इस समय मेरे को लगता है डिलीवरी के टाइम और ज़्यादा, प्रेगनेंसी के टाइम और ज़्यादा गर्मी लगती है, तो मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। चलो आज बहुत दिनों के बाद आपको वर्मा जी से मिलवाते हैं, चलते हैं और देखते हैं वो क्या कर रहे हैं। तो चलो। हेलो, गुड मॉर्निंग। क्या हो रहा है भाई? आज तो मौसम बहुत ठंडा ठंडा है, थोड़ी बारिश है। और न्यूज़पेपर पढ़ा जा रहा है, छुट्टी का सदुपयोग। अच्छा अच्छा, बढ़िया बढ़िया। और बताइए। बस आप बताओ। बस कुछ नहीं, आप बताइए क्या चल रहा है? और सब ठीक है, ये चल रहा था। और आज ये हमारा एक पीनट बटर आया हुआ है, आई वांट टू सी दिस। क्या है ये? ये है डिसानो का पीनट बटर, ये क्रंची वाला है पीनट बटर, मतलब बीच बीच में क्रंचेज होते हैं। तो प्री वर्कआउट मील की तरह इसको लेते हैं, मतलब व्हेन यू वांट टू गो टू द जिम। देखिए देखिए, अच्छा ये है, हाँ, डिसानो पीनट बटर क्रंची। ओके। और तो ये पीनट बटर जो है वो अनस्वीटेंड है और 30% प्रोटीन है, और प्री वर्कआउट जिम प्रोडक्ट के तौर पे आप इसको ले सकते हैं, या फिर पोस्ट वर्कआउट के तौर पे भी ले सकते हैं। कहीं आप सैर के लिए जाते हैं, वॉक करने के लिए, तो उसके बाद भी आप ले सकते हो। और ये कम्प्लीटली नॉन जीएमओ प्रोडक्ट है, मतलब ये 100% ग्लूटेन फ्री है और 30% प्रोटीन भी है इसमें। तो चलिए खोल के दिखाइए कैसा है, हाँ, टेक्सचर वगैरह। देखो ऊपर की तरफ आप देखोगे ना तो इसमें ऑयल ऑयल आपको दिखेगा, तो वो ऐसा इसलिए है, ये थोड़ा लिक्विड फॉर्म में इसलिए है क्योंकि एकदम प्योर जो पीनट्स है उसका बना हुआ है। और इसके ढक्कन में भी देखो कि थोड़ा थोड़ा ऑयल है। दैट इज क्वाइट गुड फॉर हेल्थ, वेरी गुड। ये आपका फैट नहीं बढ़ाता है, इनफैक्ट फैट को कम करता है। कैसा है टेस्ट में? टेस्ट तो मीठा नहीं है आपने बताया। हाँ मीठा नहीं है। अच्छा अच्छा, अनस्वीटेंड का मीठा नहीं होता। हाँ, शुगर फ्री लाइक। बढ़िया, गुड। तो आजकल मैं इसको खा रहा हूँ और मेरे को काफ़ी अच्छा लगा है खाने में ना, इसका टेस्ट भी मेरे को भा गया है। और इफ़ यू वांट टू बाय दिस, देन इसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक रहेगा, गुलगुल विल पुट द लिंक। एंड ऑल द बेस्ट इफ यू वांट टू बाय दिस, देन यू कैन गो अहेड विद द पीनट बटर। मेरे को पीनट बटर बहुत ही अच्छा लगने लगा है। ओके गाइस, तो अभी मैं आ गई हूँ इधर बेडरूम में, थोड़ा सा बेडिंग वगैरह ठीक करने के लिए। पूरा घर ऐसे ही फैला रहता है, काम वाली आंटी आती तो हैं बट वो तो फ्लोर झाड़ू पोछा बर्तन करके चली जाती हैं, और बाकी का काम तो आपको खुद ही करना होता है। सो वही मैं यहाँ पे समेट रही हूँ, बिस्तर वगैरह थोड़ा सा ठीक करना। सुबह उठने के बाद कभी कभी कर देती हूँ बट कभी आजकल कभी कभी मन नहीं होता है। सो इसी तरह से जब टाइम मिलता है, जब मन होता है तो काम कर लेती हूँ। ब्लैंकेट वगैरह तो हटा देते हैं, चादर वगैरह, बट उसको उठा के झाड़ना, फिर से बिछाना, वो सारी चीज़ें। एंड आजकल मेरे बेड पे ना 3 से 4 पिलो ज़रूर रहती हैं, क्योंकि रात में सोते टाइम थोड़ा सा पैर के नीचे पिलो वगैरह रखने के लिए चाहिए होती है। तो
तो मॉर्निंग की जो मेडिसिन थी वो भी मैंने ले लिया है। और ये देखिए यहाँ पे कपड़े रखे रहते हैं, हमेशा जगह जगह कपड़े देखने को मिलते हैं। अच्छा, आपके यहाँ भी ऐसा होता है क्या कि जगह जगह कपड़े ही रखे मिलते हैं? सो मैं बैठ गई हूँ यहाँ पे और आराम से देख रही हूँ कुछ है तो नहीं पॉकेट में पेन वगैरह। उसके बाद जो कपड़े मशीन में डालने वाले हैं वो डाल दूँगी, बाकी जो ठीक है उसको मैं गेट के पास ही टांग देती हूँ। ओके गाइस, अब आप देख सकते हैं काफ़ी तेज़ बारिश जो है वो स्टार्ट हो गई है एंड कल शाम से यहाँ पे बारिश हो रही है। तो अभी मौसम जो है वो काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो रहा है एंड पीहू गई हुई है अपनी क्लास के लिए, अपनी वो क्लास के लिए गई है और बारिश हो रही है। समोसे खाने वाला टाइम हो रहा है, अगर टाइम पे वर्मा जी आ जाते हैं, स्कूटी से गए, मैं उनको बोल रही थी कि आप कार से जाओ क्योंकि मुझे पता था बारिश आएगी ही आएगी। सो अभी देखते हैं, वो लोग गीले हो जाएंगे, आ जाते हैं तो फिर चाय वाय बनाया जाए। 4:45 बज रहा है। तो बस मैं यहाँ पे अकेले बैठी हुई हूँ। कभी कभी शांति से बैठना भी बहुत अच्छा लगता है, एकदम बारिश को देखते रहना। आप लोग बताना आपको कैसा लगता है। तो बस मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, पीहू और उनके डैडी का वेट कर रही हूँ। जब वो आ जाएंगे तो फिर चाय और समोसे खाए जाएंगे। तो आप भी इंजॉय करिए इस बारिश को। आप लोग के शहर का क्या हाल? आ गए हैं मिस्टर वर्मा एंड पीहू, चलो गेट ओपन करते हैं। बेल अभी तक बजी नहीं है, मैंने देख लिया था ऊपर से। तो मैंने ऊपर से देख लिया था तो मैंने गेट ओपन कर दिया है, वो लोग अभी आते ही होंगे। आइए। अरे मेहरबान, आ गई मेरी पीयू। हेलो पीयू, क्या लेके आई है? मेरे लिए पीयू सरप्राइज लेके आई है, रोज लेके आती है। क्या लाई है यहाँ पे पीयू हमारे लिए? ये क्या है? समोसे हैं क्या? आपको कैसे पता है? और ये व्हाइट रसगुल्ले? कैसे चीटिंग? नहीं, चीटिंग नहीं किया, मुझे पता है। मैं इसको फ्रिज में रख दूँ? ओके ओके। समोसा आप भी खाओगी? समोसा? हाँ। समोसा खाओगी? नहीं। खा लो ना प्लीज। तो मैंने अपने लिए यहाँ पे समोसा जो है वो निकाला है। बारिश में खाने का मन भी होता है। और अभी यहाँ पे पीहू की फ्रेंड आई है उसके साथ प्ले करने के लिए, तो अब ये दोनों थोड़ी देर खेलेंगे और अब मुझे बनाना है डिनर। चलिए चलते हैं किचन और देखते हैं कि आज डिनर में क्या बनाना है। तो फाइनली मैंने यहाँ पे थोड़ी सी दाल रख दी है पकने के लिए और दाल के साथ मैं सोच रही हूँ आज थोड़ा पनीर की सब्ज़ी बना लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे अपने किचन के लिए अगारो का ये ग्लास बोरोसिलिकेट का बाउल मंगाया है, जिसमें कि आपको ग्लास का साथ में लिड भी मिलता है एंड 700 ml का ये बाउल जार है। तो एंड इसको आप माइक्रोवेव में, ओवन में और फ्रीज़र में बहुत आराम से यूज़ कर सकते हैं। ये जो ग्लास है ये बोरोसिलिकेट ग्लास से बना है एंड 350 डिग्री सेंटीग्रेड का जो ये टेम्परेचर है ये बेयर कर सकता है। तो जैसे कोई आपके गेस्ट वगैरह आते हैं तो आप इस जो ये ग्लास का बाउल है इसमें आप सर्व कर सकते हैं रायता वगैरह और कोई भी सब्जी या कुछ भी जो आप बनाते हैं वो इसमें आप सर्व कर सकते हैं। इसमें लिड भी है तो इजी तरीके से आप उसको रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे पनीर की सब्ज़ी जो है वो बना लिया है और बन गई है हमारी दाल पनीर की सब्ज़ी, साथ में मैंने चपातियाँ भी बना ली है। तो आज का हमारा ये सिंपल सा डिनर जो है वो होने वाला है। अब इसी ग्लास बाउल में मैं अपनी सब्ज़ी को जो है वो ट्रांसफ़र कर लूँगी और इसी के साथ मेरा ये जो व्लॉग है यहीं पे मैं फिनिश कर दूँगी। एंड आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, आपको ये ग्लास जार जो मैंने बाउल मंगवाया है वो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करिएगा एंड अगर आप भी इसको लेना चाहते हैं तो मैं लिंक डाल दूँगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेकआउट करना मत भूलिएगा।